फोर नंबर दिया है, 12 ए बी एक्स स्क्वायर माइनस का 9 ए स्क्वायर माइनस का 8 बी स्क्वायर एक्स माइनस 6 ए बी इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई यहाँ करना होगा, 12 ए बी एक्स स्क्वायर माइनस का 9 ए स्क्वायर एक्स प्लस का 8 बी स्क्वायर एक्स माइनस 6 ए बी इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो 3 के टेबल में है एक ए और एक एक्स बी कॉमन हो जाएगा। 4 टाइम्स में ए निकल चुका है, बी बच जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, 3 3 9, ए एक निकला है और एक एक्स निकल गया, तो सिर्फ ए बच जाएगा प्लस का। इन दोनों में से हम लोग रखो 2 और फिर कॉमन करते हैं बी को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना, 4 बी और एक्स माइनस 2 3 6, ए एक बच जाएगा, बी तो निकल चुका, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, 4 बी एक्स माइनस का 3 ए इंटू में 3 ए एक्स प्लस का 2 बी इक्वल टू में 0। अब यहाँ से इसको अलग अलग कर लेते हैं, 4 बी एक्स माइनस का 3 ए इक्वल टू में 0 और 3 ए एक्स प्लस का 2 बी इक्वल टू में 0। यहाँ पे 4 बी एक्स इक्वल टू में 3 ए, यानी कि आ जाएगा x इक्वल टू में 3 ए बाई में 4 बी, और यहाँ से 3 ए एक्स इक्वल टू में माइनस का 2 बी, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 2 बी बाई में 3 ए। समझ गया, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित समीकरणों के मूल्यांकन करें।